हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड, एंड आपकी प्रिपरेशन भी वेल इनफ बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ एक स्पेशल वीडियो जो कि होने वाला है राजस्थान एनिमल अटेंडेंट की रिक्रूटमेंट 2023 के ऊपर। इसका फॉर्म आउट हो चुका है, बम्पर सीट्स रहने वाला है, ऑल इंडिया की वैकेंसी रहेगी, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस पोस्ट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप भी इसको लेकर थोड़े से भी सीरियस हो तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सी, एज आई टोल्ड यू, राजस्थान एनिमल अटेंडेंट की रिक्रूटमेंट आई है, जो कि जिसका मतलब होता है कि पशुपालक परिचारक के लिए आपकी ये वैकेंसी आई है। टोटल सीट्स की बात करें तो 5934 सीट्स पे वैकेंसी रहने वाली है। कैटेगरी वाइज देख लेते हैं हम लोग। जनरल के लिए 1905 सीट्स है, ईडब्ल्यूएस के लिए 527, ओबीसी के लिए 1098, एमबीसी के लिए 263, एससी के लिए 837 एंड एसटी कैंडिडेट्स के लिए 628 सीट्स पे ये रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है। सहरिया जनजाति जो कि बारा जिला के बिलोंग करते हैं, उनको 23 सीट्स उनके लिए ये रखा गया है। अब रही बात की इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाले हैं, तो फ्रेंड्स आपका ये फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट होगा 13 अक्टूबर 2023 से, एंड लास्ट डेट टू अप्लाई 11 नवंबर 2023 रहने वाला है। एग्ज़ाम डेट की अगर बात की जाए तो आपका एग्ज़ाम जो है अप्रैल से जून 2024 में कंडक्ट कराया जाएगा, तो तैयारी का भी आपके पास अच्छा खासा टाइम होने वाला है। रही बात की फॉर्म अप्लाई करने के टाइम आपसे फ़ी क्या डिमांड किया जाएगा, जनरल ओबीसी से लिया जाएगा 600 रुपीज़, ओबीसी एनसीएल एससी एंड एसटी को 400 रुपीज़ फॉर्म की फ़ी लगेगी। एज लिमिट की अगर बात करूँ तो योर एज विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 1st of January 2024। जनरल कैंडिडेट मेल का रहेगा मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स एज लिमिट। रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी एससी एसटी को 5 ईयर्स का, एंड फीमेल्स को मिलता है 10 ईयर्स का। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, क्या डिमांड की गई है क्वालिफिकेशन की। मिनिमम जो 10th पास कैंडिडेट होंगे वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, डजेंट मैटर क्या परसेंटेज है। इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी से आपने 10th पास आउट कर रखा है, आपके पास सर्टिफिकेट है, आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी रखी गई कि आपके पास देवनागरी लिपि का नॉलेज होना चाहिए और राजस्थानी लैंग्वेज यानी राजस्थानी भाषा आपको आनी चाहिए। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया। सिलेक्शन बहुत ही इजी है, सिंगल स्टेज एग्जाम होगा आपका एक, उसके बाद आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि सिंगल स्टेज एग्जाम है तो एग्जाम का पैटर्न क्या सब रखा गया। आपका जो एग्जाम होगा फ्रेंड्स उसमें 150 क्वेश्चन रहेंगे 150 मार्क्स के लिए। टाइम मिलता है आपको 3 आवर्स का, निगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है, 1/4 का निगेटिव मार्किंग होगा। दो पार्ट में पेपर होगा, पार्ट ए में आपका 70% क्वेश्चन रहेगा, मतलब 105 क्वेश्चन पार्ट ए से पूछा जाएगा। पार्ट बी से आपका 30% क्वेश्चन, मीन्स कि 45 क्वेश्चन आपको पार्ट बी का रहेगा। एग्जाम का जो लेवल रहेगा ना वो आपको देखो 10th पास आउट कैंडिडेट्स के लिए है तो 10th लेवल का ही पेपर यहाँ पे आपको कंडक्ट कराया जाएगा, मतलब पेपर का लेवल आसान होने वाला है। मिनिमम पासिंग मार्क्स जो अगर हम लोग एक मान के चले तो 40% यहाँ पे मिनिमम पासिंग मार्क्स रखा गया है। अब रही बात, बहुत सारे कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि एग्जाम में किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ओवरऑल तो यहाँ पर बता दिया कि इस पार्ट से इतना पूछेगा, इस पार्ट से इतना पूछेगा, लेकिन हम देखेंगे कि दोनों पार्ट में कौन कौन से चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। पार्ट ए में फ्रेंड्स आपको मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड जीके जीएस, मतलब कि जनरली जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देते होंगे उसमें ये सब तो पूछता ही है। साथ ही साथ ये एनिमल हस्बेंड्री एनिमल अटेंडेंट के लिए है तो इसमें आपको क्वेश्चन रिलेटेड टू एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है ना वो आपको पार्ट बी में पूछेगा। सो आई होप कि आप एग्जाम पैटर्न को क्लियरली समझ पाए होंगे।
रही बात की एग्जाम क्लियर करोगे फिर मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। राजस्थान के लिए वैकेंसी है तो राजस्थान में ही आपकी जॉब लोकेशन रहेगी, पेपर भी आपको वहीं जाके देना होगा। और उसके बाद जब आप क्वालिफाई वगैरह कर लोगे, ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगी, तो आपको जो सैलरी मिलेगी अभी मैं आपको बता देती हूँ। इनिशियली आपको दिया जाएगा 19,200 रुपीज पर मंथ की सैलरी। उसके बाद आपको पर ईयर इंक्रीमेंट एंड आपको जो पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलते हैं उसके बाद आपकी सैलरी ना इंक्रीज होके एक टाइम पे 63,200 रुपीज हो जाती है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको तैयारी के लिए भी अच्छा खासा समय दिया गया है। चूंकि आपने देखा है कि एग्जाम जो है वो अप्रैल से आपका जून जुलाई के बीच होगा 2024 में, तो अभी से फॉर्म अप्लाई करके आप अपनी तैयारी में जुट जाओ, अच्छे से तैयारी रखो ताकि जब पेपर हो तो आप एक सीट वहां पर अचीव कर पाओ। और आई होप कि मैंने जो आपको इसके रिगार्डिंग डिटेल बताएं आप उसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और अगर थोड़ी सी भी कहीं पे भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन है यहाँ पर पूछो, अदरवाइज मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम सबका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे भी जाके फॉलो करो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। रही बात की इसका नोटिफिकेशन तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। और अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो भर भर के लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर देना, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी सारी फ्रेश गवर्नमेंट जॉब की अपडेट सबसे पहले आप सभी तक आए। तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।